हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जीनियस डीके में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये नया कोबरा बंडल रिटर्न में आया है वो मैंने कैसे लिया और इस कितने डायमंड लगे। आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा डायमंड लग रहे हैं। मैंने भी बहुत लोगों का देखा, जो लोग ज़्यादा टॉपअप करते हैं उन लोगों का 2 से 3 हज़ार डायमंड आराम से निकल उसके बाद ही निकलता है। तो मेरा कितना डायमंड लगा और मुझे कैसे मिला ये बंडल वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसमें सबसे पहले इसमें क्या क्या खासियत है ये बंडल निकालने के लिए वो मैं बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना ऐसे ही नए वीडियोज़ देखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग देख ही पा रहे हो ये बंडल मुझे मिल चुका है। तो इसमें क्या क्या खासियत है, इसका क्या फ़ायदे है वो मैं सबसे पहले आप लोग को बताता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मुझे कैसे मिला ये बंडल, कितने डायमंड में मिला, ये सारा कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना अगर आप लोग को भी ये बंडल चाहिए और आप लोग को भी अगर ये बंडल अच्छा लगता है तो। तो सबसे पहले यहाँ वॉल्ट में मैं दिखा देता हूँ इसका क्या क्या खासियत है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो ये आप लोग को 4 कलर में मिल जाता है। ये पर्पल है सबसे पहला, उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो ब्लू कलर में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे ब्लू कलर को आप लोग येलो कलर में कन्वर्ट कर पाओगे। तो टोटल 4 कलर में ये बंडल मिलता है। इसका सारा अलग अलग पार्ट आप लोग कोई अलग अलग कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो। यहाँ देख सकते हो जैसे येलो आ गया है तो सिर्फ हेयर या फिर शूज़ शर्ट कुछ भी आप लोग सिर्फ अलग दूसरे कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो इसके साथ। और इसका मेन रेड दिखाई देता है देख सकते हो। तो आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हो तो हो गया 4 कलर इस बंडल के बारे में अगर आप लोग ये बंडल निकाल लेते हो तो। इसके बाद इसका क्या क्या मिलने वाला है इस बंडल के साथ वो मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप लोग को ये बंडल मिल जाएगा यहाँ लेजेंड्री में आप लोग टैप करिएगा तो आप लोग देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये जैसे ही आप लोग को 5 टोकन आप लोग को कलेक्ट करना रहता है आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये इमोट आप लोग को मिल जाएगा जो मैंने शुरू में ही वीडियो के स्टार्ट में ये इमोट किया था। ये अगर आप लोग कोई भी स्क्वाड में जाते हो और ये इमोट अगर लगाते हो आप लोग तो पूरा स्क्वाड यही वाला डांस करने लगता है ये इमोट वाला आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले ये इमोट मिल जाएगा, उसके बाद ये सेकेंड इमोट ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला ये 2 इमोट आप लोगों। तो ये बहुत ही ख़तरनाक ये 2 इमोट है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाएगा अगर आप लोग ये 5 टोकन कलेक्ट कर पाओगे तो। उसके बाद ये अराइवल एनिमेशन ये देख सकते हो, ये आप लोग कैसे दिखाई देगा ये मैं बताता हूँ। कोई भी अगर आप लोग स्क्वाड बनाते हो यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्क्वाड बना लिया। यहाँ पे जैसे ही स्क्वाड करेंगे तो देख सकते हो ऐसे आप लोग का इंटरफेस आएगा अराइवल का। तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे भी आप लोग को कलेक्शन में दिखाई देगा। ये एक और एनिमेशन आया था वो तो मैंने नहीं निकाला, ये देख सकते हो ये 2 एनिमेशन अभी तक आया है फ्री फायर में। उसके बाद क्या आता है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ लेजेंड्री में देख सकते हो पैराशूटिंग एनिमेशन है। तो जैसे ही आप लोग रैंक गेम या क्लासिक में अगर खेलते हो तो जैसे ही पैराशूट आप लोग का खुलता है तो आप लोग को ऐसा दिखाई देगा। जो भी कलर का आप लोग चुनोगे, मान लीजिए येलो कलर चुनते हैं तो जैसे ही येलो कलर चुनेंगे तो पैराशूट में भी ये वाला येलो येलो फ्लेम करके उड़ेगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अब मैं बताता हूँ मुझे कैसे मिला। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जैसे ही मैं यहाँ पे लक रॉयल में जाता हूँ तो ये मैंने अभी तक स्पिन नहीं किया है आप लोग देख सकते हो। ये मैंने पहले ही जब 6 महीने पहले ही आया था ये इवेंट तो मैंने ये कितने डायमंड में निकाला था आप लोग को पता ही होगा, वीडियो में आप लोग देखे होंगे। बहुत लोग बोल रहे थे पुराने वीडियो, तो हाँ पुराना ही वीडियो मैंने आप लोगों से बताने के लिए डाला था कि ऐसा ट्रिक अप्लाई करना है, क्योंकि जब मेरे पास पहले से है तो मैं क्यों निकालूंगा आप लोगों को भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा ये बैनर अवतार और ये एके का स्किन और ये फिस्ट का स्किन तक आप लोग मेरा सिर्फ 300 डायमंड में निकल गया था। जैसे कि मैंने बोला एयर ड्रॉप से परचेज़ किया था मैंने, अभी भी देख सकते हो मैंने एयर ड्रॉप अभी एक और बचा के रखा है ऐसे ही कुछ आइटम्स आने के लिए। तो जैसे ही ये आएगा तो मैंने ये इसको ओपन करके नहीं रखता हूँ, इसीलिए आप लोग ने वीडियो देखा होगा एयर ड्रॉप से ही परचेस करता हूँ मैं ज़्यादा चीज़। तो सिर्फ 300 डायमंड मुझे फिस्ट का स्किन मिल चुका था
और ये बंडल कितने डायमंड में मिला था वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग कलेक्शन में ये देख सकते हो बैनर और अवतार, ये एकदम बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। ये रहा अवतार और ये देख सकते हो ये बैनर कोबरा फ्लैश का, तो ये कितना बढ़िया नाम आप लोगों को दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हो। तो ये दो चीज़ आप लोगों को, दो टोकन मिल जाएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग वेपन में अगर जाइएगा तो वेपन में एके का स्किन जो यहाँ आप लोग दिखाई दे रहा है, आई गेस ये वाला, हाँ ये देख सकते हैं लेजेंडरी कोबरा का तीसरा टोकन मिलने पे ये मिल जाएगा। और फिर साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे फिस्ट का स्किन, मेरे पास कोई भी फिस्ट का स्किन नहीं था देख सकते हो, ये पहला फिस्ट का स्किन मुझे मिला। ये चार टोकन सिर्फ 300 डायमंड में मुझे मिल गया था ये। उसके बाद पांचवा टोकन के लिए मुझे कितने डायमंड लगे थे मैं आप लोगों को बताता हूँ। पांचवा टोकन मुझे और फिर 500 डायमंड लग गए थे पांचवा टोकन निकालने के लिए। बहुत लोग बोल रहे थे पांचवा टोकन नहीं निकलता है, तो पांचवा टोकन देख सकते हो मुझे मिला था सिर्फ 500 डायमंड में। तो टोटल मेरे 800 डायमंड लग गए थे। पांचवा टोकन निकलने में बहुत मुश्किल होता है मुझे ही पता है, तो मैं ट्रिक ज़रूर बताऊंगा। मैंने 6 महीने पहले भी ट्रिक बताया था, तो यहाँ मैंने बोला था यहाँ पे जैसे ही आप लोग ये चार टोकन आप लोग को निकल जाएंगे तो आप लोग को उसी दिन नहीं स्पिन करना है। अगर आप लोग ने अभी तक स्पिन किया है तो अभी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अभी देख सकते हो 7 डेज़ बाकी है, तो जैसे ही आखिरी के 2 दिन में आप लोग पांचवा टोकन निकालने की कोशिश करिएगा, वो आराम से निकल जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो बैकपैक में आप लोग का रहता है एक्सचेंज का आइटम, तो मैं बता देता हूँ, बैकपैक में ही से मुझे मिला था पांचवा टोकन, डायमंड से नहीं मिला था मुझे याद है। तो यहाँ आप लोग ये बैकपैक से एक्सचेंज करना छोड़ दीजिएगा, जो भी बैकपैक में उसको रहने दीजिएगा। और अगर आपके पास डायमंड भी ख़त्म हो गए हैं तो भी सिर्फ बैकपैक में जितना आइटम है उसी से आप लोग का निकल जाएगा। मेरा भी वहीं से निकला था, मेरे 500 डायमंड जितने थे मैंने पूरे स्पिन कर दिए थे, पर उसमें नहीं निकला था, लास्ट में ये बैकपैक से ही निकला था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसका, इस बंडल को निकालने का। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये पांचवा टोकन कैसे निकलेगा। आप लोगों को अभी स्पिन बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप लोग के 2-3-4 हज़ार डायमंड भी लग सकते हैं। तो वैसे ही मैं बता देता हूँ, ये जैसे ही आप लोग को अभी स्पिन नहीं करना है, बैकपैक में जितने आइटम है यहीं रहने देना है। और आखिरी के 2 दिन में यहाँ से ही आप लोग एक्सचेंज करोगे, पहले एक एक करके एक्सचेंज करना, उसके बाद जितने भी आइटम है सारा एक साथ एक्सचेंज कर दोगे तो ये पक्का पाँचवा टोकन निकल जाएगा आप लोग का। यहाँ जो भी व्यू प्राइजर में देख सकते हो ये वाला लेजेंडरी कोबरा एक आप लोगों को पांचवा भी निकल जाएगा, और इसी के साथ आप लोगों को ये बंडल मिल जाएगा। तो ये बंडल का खासियत यही था, ये मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक कि क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हो अब येल्लो वाला पहन लेते हैं, तो इसी को आप लोग बहुत सारे कस्टमाइज करके भी अलग अलग में पहन सकते हो। जैसे कि इसका सिर्फ हेयर अगर रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, बाकी शर्ट पैंट आप लोग चेंज कर सकते हो। तो इतना ही मैंने आप लोग को पूरा बता दिया कि ये कैसे निकलेगा आप लोग का, मेरा कैसे निकला था वो भी मैंने बता दिया। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ऐसे ही नए टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोज़ देखते रहने के लिए।